नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय ईकेआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट कोल इंडिया लिमिटेड, बिकॉज कंपनी ने आज अपना अनाउंसमेंट किया है दैट ये डिविडेंड का अनाउंसमेंट करने वाली है, क्वार्टरली रिजल्ट का अनाउंसमेंट करने वाली है। तो चलिए उसको डिस्कस करेंगे, प्लस एक और अपडेट आ रहा है कोल इंडिया को लेकर के अबाउट द सक्सेसफुल बिडर, उसको भी चेक करेंगे। तो उससे पहले कंपनी का थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, कंपनी का अभी वैल्यूएशन कैसा है, प्लस कंपनी का शेयर हिस्ट्री क्या बता रहे हैं, इन सभी चीजों को भी डिस्कस किया जाएगा। चार्ट में का चार्ट को भी चेक किया जाएगा। तो आज के दिन में देख सकते हैं इसमें लगभग 4.5% का उछाल अभी इसमें शेयर में देखने को मिला, 407 के ऊपर ही इजिली एंड अच्छे से सस्टेन कर रही है। लार्ज कैप स्टॉक है, 2,50,761 का, अभी भी रीजनेबल अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है। 8.91 का पी है, इंडस्ट्री का 17.8, यानी समझ सकते हैं लगभग आधा है, अभी बहुत ऊपर इसको जाना बाकी है। पीयर स्कोर 9 का है, 9 के जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, ये तो 9 ही है, तो शानदार है, प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी को डेट 6,313 का है, प्रमोटर का 6 शानदार 63.1 है। तो मेजोरिटी स्टेक होल्डर कौन है उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए प्रमोटर का 6 कॉन्स्टेंट है, इसके अलावा एफआई ने अपने स्टेक को 7.80 से 8.59 यहाँ पर फिर इंक्रीज किया है, बढ़ाया है। ओके, बीच में बिकवाली किया था, फिर से बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। एंड यहाँ पर डीआई का स्टेक गिरा है 24.0 से 7 से 23.0 से, यानी अच्छे खासी 1% के अराउंड अराउंड इन्होंने बिकवाली भी किया है। उसके अलावा पब्लिक ने यहाँ पर खरीदारी की 4.91 से 5.10, यानी एफआई ने खरीदा है, पब्लिक ने खरीदा है। तो यहाँ पर अच्छी चीजें क्या है कि एफआई अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। उसके अलावा है कंपनी की तरफ से जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया है दैट सीआईएल इमर्ज एज अ सक्सेसफुल बिडर एरो सोलार पावर प्रोजेक्ट को लेकर के आ रहा है। और ये अपडेट जो आया है कंपनी के तरफ से वो 25-1 का है। ओके, और यहाँ पर देखिए इन ई ऑक्शन हेल्ड ऑन 25/1/2024, कोल इंडिया लिमिटेड बैक्ड 300 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ गुजरात इंडस्ट्रियल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड आई पार्क ऑफ 600 मेगावाट कैपेसिटी एट खावड़ा ग्रिड कनेक्टेड एसपी प्रोजेक्ट। और इस कारण से रहता है, इस न्यूज के कारण, प्लस डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला था, क्योंकि मार्केट को पहले से पता रहता है, उसके कारण आज शेयर में तूफानी तेजी आ गई। देखिए 29th आज के दिन में अपडेट आ रहा है दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शेड्यूल की गई है 12 फरवरी 2024 को, जहां पर वो अपना रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं, एंड प्लस कंपनी जो रहता है डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, डिक्लेरेशन ऑफ सेकेंड इंटरम डिविडेंड। और इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट कंपनी ने फिक्स किया है, देख सकते हैं 20 फरवरी 2024 एज अ रिकॉर्ड डेट। सो फ्रेंड, दो इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, एक तो हो गया मीटिंग का डेट एंड दूसरा है रिकॉर्ड डेट। सो ये इंपॉर्टेंट डेट है, इस कारण से आज शेयर में उछाल देखने को मिला है। कंपनी का चार्ट को अगर आप चेक कीजिएगा तो एक तरफा आपको ऊपर का मूव ही देखने को मिलेगा, कहीं से कोई भी गिरावट का कोई माहौल नहीं है, एक तरफा ऊपर का मूव देखने को मिल रहा है। तो चार्ट जो है सुपर बुलिश है, एंड अपने ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट लेवल जो था, एक रेसिस्टेंस जो बन रहा था, उसके ऊपर ये भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। तो सुपर बुलिश चार्ट है, कोई चिंता का विषय नहीं है। तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग कोल इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।